केरला जीतकर, सिक्किम जीतकर मिजोरम को भारत का हिस्सा बनाकर अजीत डोवाल चले गए पंजाब, उनको भेजा गया पंजाब और यही उनका चौथा कांड, जिसको हम कहते हैं अजीत डोवाल सीरीज, और उनका वो चौथा कांड वहाँ शुरू हुआ। वहाँ पर सेपरेटिस्ट अटके हुए थे, उनको किस तरह से पस्त करने में उन्होंने रोल निभाया। पंजाब में सेपरेटिस्ट खालिस्तान वो उठ रहे थे, लेट 70 से मामला चल रहा था, फिर 84 में तो आपको पता ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, भिंडरांवाला मारा गया, इंदिरा गांधी मारी गई, पंजाब में एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म चरम सीमा पे आ गया। पंजाब में उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे श्री KPS गिल, जो बाद में जाकर इंडियन हॉकी फेडरेशन के चीफ भी बने। KPS गिल को सुपर कप कहा जाता है, और कहा जाता है कि भाई अगर ये ना होते तो पंजाब का सोल्यूशन नहीं निकल पाता, पंजाब वापस से ट्रैक पर नहीं आ पाता। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 84 में हुआ था, उसका अभी एक पार्ट टू और पार्ट थ्री होना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग बात करते हैं। उनको कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। ये हुए थे 1986 में और 1988 में, जब फिर गोल्डन टेम्पल पे श्री हरमिंदर साहब पर हमले हुए। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला हुआ था अप्रैल 1986 में, करीब 200 सेपरेटिस्ट फिर चले गए थे। उनको पता था जैसे पिछली बार सेंसेशनल मामला हुआ था तो गोल्डन टेम्पल पे ही जाकर छुपा जाए, क्योंकि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है फिर से हमें एक लिफ्ट मिलेगा और जो भारत सरकार है उसको उसकी बदनामी है, तो इसलिए वो जाकर छुपे। अब उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे सुरजीत सिंह बरनाला साहब। बरनाला साहब ने कहा कि इसको मैं अपने ढंग से सॉल्व करूंगा। उन्होंने क्या किया कि 1000 लोगों की फौज अंदर भिजवाई, जिसमें 700 BSF के थे और 300 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के थे। ये 1000 लोग गए और कुछ गोलीबारी हुई फिर से, हालांकि उस तरह से नहीं हुई, छल्ली छल्ली नहीं किया गया हरमिंदर साहब को, बड़े चलाकी से किया गया काम। लेकिन उसके बाद उन 200 जो मिलिटेंट्स थे उनको सरेंडर करवा दिया गया, एक की मौत हुई, कुछ घायल हुए। लेकिन इस बार थोड़ा मामला ठीक तरीके से कंपैरेटिवली किया गया, सरेंडर हुआ। हालांकि बाद में पता लगा कि कोई 200 के 200 में लगभग सारे आज़ाद कर दिए गए, क्योंकि उन पर कोई बहुत मेजर केस नहीं था। सुरजीत सिंह बरनाला साहब की बड़ी थूथू हुई, उनको हटवाया गया, उनको प्राश्चित करवाया गया, माफिया मंगवाई गई, और जो वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसा फिर किया ही क्यों प्रॉब्लम में हमें डाला, इसलिए आप हट जाइए। फिर से एक तरह से पार्शली सक्सेसफुल होते हुए भी पार्शली वो मिशन फेल हो गया। लेकिन इससे जो सेपरेटिस्ट थे उनका जो मनोबल था वो गिरा नहीं, बल्कि और बढ़ गया। हम पे जिसने हमला कराया था वही हट गया, हमें जिसने अरेस्ट किया था वही आदमी हट गया, दोबारा घुसते हैं। तो 1988 में 9 मई तक आतंकवादी कहिए, सेपरेटिस्ट कहिए, फिर से घुस गए, और तीसरा बड़ा ऑपरेशन इस बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 को किया गया, अंजाम लाया गया उसको। इस बार लेकिन तैयारी जोरों शोरों से की गई थी KPS गिल द्वारा। उन्होंने क्या किया कि फौज की ट्रेनिंग करी, तैयार किया गया, स्नाइपर्स तक तैयार किए गए। भाई उनका ये कहना था कि एक भी गोली इधर उधर ना हो, एक भी प्रॉब्लम ना हो। NSG को, कमांडोज को, CRPF को ट्रेन किया गया और मॉक ड्रिल्स करी गई, अरावली हिल्स के आसपास करी गई, कुछ स्कूल कॉलेज में करी गई कि भाई अगर ऐसे वहां पर आतंकवादी छुपे हैं तो आप किस तरह से घुस कर डेरा डालकर उनको हटाएं और कोई और नुकसान नहीं हो। दूसरा उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई हरमिंदर साहब ने गोल्डन टेम्पल में बंद कर दी, सप्लाई बंद कर दी, इससे उनको पानी लेने के लिए बाहर वो जो बड़ा सरोवर है वहां पर आना पड़ा। एक तीसरा काम भी उन्होंने किया, उन्होंने CRPF को इन ट्रेंड स्नाइपर से, कमांडो से रिप्लेस कर दिया और सारे स्नाइपर मेन वेंटेज पॉइंट पे, मेन हाई पॉइंट पे जाकर बैठ गए बंदूक पर। तो गोली चलाई गई, पानी पीने अंदर तो खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए सरोवर से ही पीना पड़ा, बाहर आया गया, गोली चलाई गई और कई लोगों को ढेर कर दिया। अब इसमें डोवाल साहब ने क्या किया, डोवाल साहब ने अपनी चलाकी शुरू कर दी। उन्होंने अपना भेष बदला, रिक्शा वाला बन के गए और आसपास गश्त लगाते रहे। अब रिक्शा वाला बन के गए, भेष वेष बदला, दाढ़ी बड़ी करी, जैसे सिख सरदार रिक्शे वाले थे वो। उन्होंने अब क्या किया कि अब वो पड़ोस में कोई उन पर शक नहीं कर सकता था, अब उन्होंने एंट्री करने का फैसला किया। गोलीबारी चल रही थी लेकिन उसके बीच में
मौका देखकर वो घुस गए और किसी तरह से वो मेन कंपाउंड में जहां पहुंचे और जैसे ही वो गए, इससे पहले कि कोई उनको मारे, क्योंकि उनकी जान तो पूरी तरह से खतरे में हर तरह से थी, स्नाइपर्स की गोली लग सकती थी और जो अंदर सेपरेटिस्ट बैठे थे उनका तो क्या कहना। लेकिन डोवाल साहब ने इससे पहले कि कोई उन पर हमला करे, कोई शक करे, उन्होंने एकदम कहा मैं ISI एजेंट हूं, मैं आपके साथ आऊं, मैं आपकी तरफ हूं। ये सुनकर उनको कुछ क्षण मिल गए, कुछ मौका मिल गया और उन्होंने फिर बताया कि मैं ISI एजेंट हूं, मुझे पता है कौन कौन कहां कहां लगा हुआ है, आपके दुश्मन कहां कहां से गोलीबारी कर रहे हैं, जो आप स्नाइपर्स को देख नहीं पा रहे हैं, चुपचाप से वो कहां है मैं जानता हूं। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, दो तीन जगह से कुछ करेक्ट थी कुछ नहीं थी, आधे सच आधे झूठ बोलकर उन्होंने उनका भरोसा जीता और फिर उनको कहा कि भाई मैं वापस बाहर जाऊंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको फिर बताऊंगा, मैं आपका आदमी हूँ, पाकिस्तान आपके साथ है, ISI आपके साथ। ये कहकर फिर गोलीबारी के मौका देख के फिर वो बाहर गए, नाटक ही था, फिर वापस आए चुपचाप से और उन्होंने फिर इनको इन्फॉर्मेशन दी और उस ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई जहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उनका मोराल भी पस्त कर दिया। ये कहकर जी आपको इधर से घेर लिया, उधर से घेर लिया, इतने सारे आदमी हैं, ये आदमी है, मैं तो कहता हूँ जी एक बारी बातचीत कर लो, सरेंडर कर लो, आगे जाके फिर हमला करेंगे, फिर हमारा दिन आएगा, फिर हमारा मौका आएगा। इस तरह से बात करके इन्फॉर्मेशन भी दी जो आधी सही आधी गलत, उनको ऐसा पस्त कर दिया कि जब पुलिस ने जर्नलिस्ट बनकर एक फोन कॉल किया मिलिटेंट्स को, तो मिलिटेंट्स की हालत उनको भी पता लग गई। मिलिटेंट्स की हालत ऐसी पता लग गई कि जो जर्नलिस्ट बने हुए थे पुलिस वाले, उन्होंने जब बोला कि भाई देखो आप सरेंडर कर दो, ऐसा कर दो, नेगोशिएशन कर लो, पुलिस वालों से बात को ऊपर लो, ये वो, तो वो मान गए। फिर क्या करते क्या ना करते, उन्होंने पुलिस वालों से बात करने के लिए माने, पुलिस वाले फिर आए जो दूसरे पुलिस वाले थे, नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, सरेंडर डिस्कस हुआ और 18 मई को सरेंडर कंप्लीट हुआ और कहा जाता है करीब 41 लोगों को मार गिराया। KPS गिल की लीडरशिप से और अजीत डोवाल की बड़ी सूझबूझ और दलेरी से उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया गया और फिर बड़ी जल्दी पंजाब में मिलिटेंसी को खत्म किया गया और पंजाब में शांति आई। हालांकि कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि भाई अजीत डोवाल कैसे चले गए गोलीबारी के बीच में, लेकिन फिर कई लोग कहते हैं भाई हमने तो देखा भी उनको और ये काम वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो काम मिजोरम में बड़े बखूबी तौर पर जाकर किया था, अराकान की पहाड़ियों में जाकर किया था और डोवाल साहब फिर से हीरो बन गए। वो इतने बड़े हीरो बन गए, उनकी दलेरी की इतनी तारीफ हुई कि उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान और कश्मीर पहुंचती है जहां अजीत डोवाल ने क्या बड़ा कारनामा किया था, कहां वो फंस भी गए थे, उनका भेद खुल सा गया था, लेकिन अजीत डोवाल ने फिर भी बड़ी चतुराई से अपने पाकिस्तान मिशन को पूरा किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़े रहिए इंडिया नाउ एंड हाउ से। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत नमस्कार आज के लिए, जय हिंद जय भारत।